بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي This question is from Mr. Shah Imran Hassan. What is the difference between Masjid-e-Aqsa and Baitul Maqdis? Kindly explain. हाँ देखिए जो लोग वहाँ जब मैं नहीं गया था तो अक्सर किताबों में पढ़ता था मैं कि दोनों को एक समझते थे लोग. अभी भी मेरे पास अगर आए तो मैं ऑफिस में दिखाऊंगा आप किताबें. टॉप के लोगों ने लिख रखा है कि Masjid-e-Aqsa और उसको दोनों को एक बैतुल मक़दिस को. देखिए वहाँ पर ऐसा है कि बहुत बड़ा कैंपस है. उस कैंपस में दो अलग अलग बिल्डिंगें हैं, अलग अलग बिल्डिंगें. एक बिल्डिंग का नाम है Masjid-e-Aqsa जो कि सुलेमानी हैकल की जगह पर बनाई गई है बनी उमैया के ज़माने में, अब्दुल मलिक मरवान ने बनवाया था. एक वो है, उससे अलग एक और बिल्डिंग है जहाँ पर एक सखरा है. सखरा मतलब रॉक. उसको यहूदी लोग मुकद्दस मानते हैं, होली रॉक समझते हैं उसको. तो उसके ऊपर एक टोम बना हुआ, टोम लाइक बिल्डिंग एक, जैसे आप देखा होगा आपने एक कब्र होती है उसके ऊपर एक टोम होता है, बिल्कुल वही उसकी शक्ल है. उसे कहते हैं कुब्बतुस सखरा. तो डोम ऑफ रॉक अलग है और वो Masjid-e-Aqsa अलग है. ये भी याद रखिए कि रसूलुल्लाह ने जो क़िबला बनाया था वो Masjid-e-Aqsa नहीं थी. वो ये भी समझ लीजिए आप, बहुत बड़ी गलत फहमी मुसलमान है. वो डोम ऑफ रॉक थी, वो Masjid-e-Aqsa कभी भी क़िबला नहीं थी. अक्सर कहते हैं क़िबला अव्वल कहते हैं उसको, आपने सुना होगा, छपता हमारे पर्चों में Masjid-e-Aqsa को लिखते हैं क़िबला अव्वल. ये बिल्कुल गलत है, बेसलेस है. क़िबला अव्वल था डोम ऑफ रॉक. रसूलुल्लाह ने कोई नया क़िबला नहीं बनाया था, यहूदियों के क़िबलों को अपना लिया था. Masjid-e-Aqsa कभी क़िबला नहीं थी यहूदियों का. यहूदियों का क़िबला आज भी जो है, आज भी वही है, डोम ऑफ रॉक है. क्योंकि वहाँ जो रॉक एक है, एक चौकोर से चट्टान है, तो वहाँ पर उनका अकीदा यह है कि यहीं पर इसहाक जो थे यहीं पर उनका ज़बीहा हुआ था, सेक्रीफाइस किया था इब्राहिम ने. हम इसको सही नहीं मानते, हम हज़रत इस्माइल को मानते हैं ज़बी, हज़रत को नहीं मानते हैं, लेकिन यहूदी ऐसा मानते हैं. तो उनका मानना है कि हज़रत इब्राहिम ही आए और अपने बेटे इसहाक को यहाँ पर उन्होंने कुर्बान किया अल्लाह के रास्ते में, तो उसको मुक़द्दस मानते हैं. और उसी के ऊपर एक डोम बनाया गया है जिसको कुब्बतुस सखरा कहा जाता है. यही बस यही यहूदियों के का क़िबला है. और रसूलुल्लाह ने हिजरत के बाद 16 महीने तक तकरीबन यहूदियों के क़िबला का अपना क़िबला बनाया था. तो यह सुब्बत कुब्बतुस सखरा था, वो Masjid-e-Aqsa नहीं थी. वो ये भी एक फलसफी मुसलमानों की है. तो बात, दो बिल्कुल अलग अलग बिल्डिंगें हैं एकदम. एक का नाम है कुब्बतुस सखरा या डोम ऑफ रॉक, दूसरे का नाम है Masjid-e-Aqsa यानी अक्सा मॉस्क.